एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। सो YouTube फैमिलीज, आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक मारिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आपको पिक्सआर्ट खोलना है। पिक्सआर्ट में ही आपको ड्रॉ का आइकन्स दिखेगा, उसको क्लिक करना है। फिर उसके बाद हम लोग ऐड लेयर में जाएंगे। ऐड लेयर में जाने के बाद फोटो लेयर का ऑप्शन आएगा। उस फोटो लेयर से आप लोग तो गैलरी में जाके अपने हिसाब से आप फोटो ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर वाइट टाइगर का फ़ोटो लिया जिसे मैं क्रॉप कर रहा हूँ। इस फोटो को क्रॉप करने के बाद मैं इससे इसकी ओपेसिटी थोड़ी कम कर दूँगा ताकि इसे देखने में आसानी हो और इसे इरेज करने में आसानी हो। इसके बाद मैं इसके फेस पे एडजस्ट करूँगा और मैं ये इस फेस के फेस पे एडजस्ट करने रहा हूँ और ये एडजस्ट हो चुका है। इसके बाद मैं इसे डन करने के बाद फिर इसके बाद मैंने इसे इरेजर टूल्स में गया। इरेजर टूल्स में जाने के बाद मैं इसे इरेज करना स्टार्ट कर रहा हूँ। आपको एक बात याद रखनी है कि इसकी इरेजर की ओपेसिटी कम रखनी है और साइज़ ज़्यादा। आप अपने हिसाब से एडजस्ट करते जाइएगा जहाँ पे ज़्यादा लगे। बारीकी को इरेज करने के लिए आप ब्रश को थोड़ा सा कम ही रखें, उसकी साइज़ को ना बढ़ाएं। इससे आपकी फ़ोटो कटिंग और वो जो बैकग्राउंड इरेज होगा वो काफ़ी अच्छा होगी। तो ये मैंने इरेज से इरेज कर लिया। इस तरह से आप पूरे बैकग्राउंड को इरेज कर लीजिएगा। काफ़ी स्मूथली इरेज हो गई है। इसके बाद हम सिर्फ फिर से फ़ोटो लेयर में जाएंगे। फ़ोटो लेयर में जाने के बाद हम लोग फ़ोटो लेयर में जाने के बाद फिर से गैलरी में जाएंगे। गैलरी में जाने के बाद हम लोग यहाँ पे ए स्मोक का PNG मैंने डाउनलोड कर रखा है, उससे ऐड कर लेंगे। उसके बाद आपको एक बार एक इसे कॉपी कर लेना है ताकि आपको बार बार जाना ना पड़े। कॉपी फिर इसके बाद इसे हाइड करना है। उसके बाद देख रहे हैं आप जैसा कि मैं इसे पहले वाले PNG को ट्रांसफ़र कर रहा हूँ स्मोक को, और इसे एडजस्ट कर रहा हूँ अपने हिसाब से। आप भी अपने हिसाब से इसे एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद मैंने दूसरे लेयर को चूज़ किया। उस दूसरे लेयर में जाने के बाद मैंने उसे भी एडजस्ट करना स्टार्ट किया। आप इसी तरह से बार बार इस हर लेयर को अपने हिसाब से हर कॉर्नर में लगा सकते हैं। और आप देख रहे हैं कि मैं इसे लगाना स्टार्ट कर दिया। और अब हम ब्रश टूल में चलेंगे जहाँ पे इरेजर हम चूज़ करेंगे। इरेजर चूज़ करने के बाद इसकी ओपेसिटी कम कर देंगे और साइज़ को मैक्सिमम कर देंगे ताकि हम इसे इरेज करने में आसानी हो। और इस तरह हम लोग हर लेयर में जाके फेस के ऊपर से स्मोक को इरेज करना है। अब देख रहे जैसे मैं इरेज कर रहा हूँ। इसे इरेज करने के बाद आप इस फोटो को आप सेव कर सकते हैं या ड्राफ्ट में। सेव करने के बाद हम लोग चलेंगे इसके बाद लाइटरूम CC में। तो लाइटरूम CC में आप जाने के मैंने खोल रखा है। इसके बाद जाने के बाद आप सिलेक्टिव टूल में जाइए। सिलेक्टिव टूल में जाने के बाद आप ब्रश को चूज़ करिए। अब ब्रश को चूज़ करने के बाद मैं इसके आइस को हाईलाइट करने वाला हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सिर्फ मैंने आइस पे फोकस किया है और इसके आइस पे मैंने फोकस किया। इसके बाद मैंने इसके एक्सपोजर को बढ़ाया और इसके कंट्रास्ट को भी थोड़ा सा मैंने बढ़ाया है। हाइलाइट्स को भी बढ़ाया है मैंने और शैडो को मैंने कम किया, वाइट को कम किया और ब्लैक को मैंने थोड़ा सा बढ़ाया है। उसके बाद टिंट को मैंने थोड़ा सा कम किया है, टेम्परेचर भी कम किया है और सेचुरेशन को मैंने बढ़ाया है। देख सकते हैं कि किस तरह सा ग्लोइंग इफेक्ट आ रहा है इसके आइज़ पे। इस हिसाब से आप अपने एडजस्ट कर सकते हैं कि आपको किस तरह का टोन चाहिए इसके। इसके बाद हम लोग कलर में जाएंगे। कलर में जाने के बाद आप अपने हिसाब से हर कलर को एडजस्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ ब्लू कलर को चूज़ किया है मैंने क्योंकि यहाँ पे कोई अदर कलर नहीं है, इसलिए मैंने सिर्फ ब्लू कलर को चूज़ किया है। ल्यूमिनस इसकी थोड़ी सी जहाँ आप कम करें, कम करने के बाद इसके ग्लोइंग इफेक्ट, इसके डार्कनेस अच्छा लगता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।